अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं बाहू एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही शानदार और मॉडर्न डिज़ाइन में घर लेके आ चुका हूं, जो कि 5 मरला का घर है। अगर हम इस घर की डायमेंशंस की बात करें तो इसकी 30x45 फीट डायमेंशंस है। और अगर आप ये घर ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर हम इस घर की लोकेशन की बात करें तो इस घर की लोकेशन है केनाल रोड फैसलाबाद। और अगर आप भी अपने घर का ऐसा ही मॉडर्न डिज़ाइन में नक्शा बनवाना चाहते हैं या A+ क्वालिटी में घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, इसको टोटली रॉकवॉल और टाइल के साथ तैयार किया गया है। चलते हैं इस घर के अंदर। व्यूअर्स, इस घर में एंटर होते ही आपको बड़े साइज में कार पोर्च मिल जाता है और यहाँ पे सामने आपको इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। सॉलिड वुड में इनको तैयार किया गया है। ये आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, नहायत ही खूबसूरत अंदाज में इनको तैयार किया गया है। व्यूअर्स, अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी फीचर वॉल मिल जाती है, इसमें आप देख सकते हैं मोज़ेक वर्क के साथ आपको आयत करीम लिखी मिल जाती है। और यहाँ पे आप इसका सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं और यहाँ पे आपको इसका फ्लोर का डिज़ाइन मिल जाता है। कार पोर्च का फ्लोर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं और मेन गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे आपको गली मिल जाती है, जिसके अंदर आपको पाउडर रूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम की कॉर्नर विंडो मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। चलते हैं इस घर के अंदर। मेन एंट्रेंस से एंटर होते ही आपको टीवी लाउंज मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे आपको इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है, इस पे आप देख सकते हैं कि आपको टाइल वर्क मिल जाता है और नीचे आपको कंसोल मिल जाता है। और यहाँ पे आप इसका सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा शैंडलियर इंस्टॉल मिल जाता है। और यहाँ पे आप इसका फ्लोर का डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पे 2x4 फीट की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। चलते हैं इस घर के ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम में एंटर होते ही आपको लेफ्ट साइड पे फायर प्लेस इंस्टॉल मिल जाती है और यहाँ पे आप इसका फ्लोर का डिजाइन देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2x4 फीट की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे आपको फीचर वॉल मिल जाती है, जिसपे आपको 3D वॉलपेपर का काम मिल जाता है। और ये आप इसका सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं। अगर आप भी अपना घर तामीर कर रहे हैं या घर को डिजाइन कर रहे हैं तो आपको आइडियाज की जरूरत है, तो आप हमारी वीडियोज देख के इसमें से आइडियाज ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसकी कॉर्नर विंडो मिल जाती है। अगर हम इस घर की टोटल अकोमोडेशन की बात करें तो इस घर में टोटल आपको 3 मास्टर बेडरूम मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इसका स्टेयर केस मिल जाता है, जो कि डबल हाइटेड है। चलते हैं इसके किचन की तरफ। यहाँ पे आप किचन के कैबिनेट्स देख सकते हैं, इसको टोटली ब्लैक कलर में तैयार किया गया है। तमाम एसेसरीज आपको इंस्टॉल मिल जाती हैं और यहाँ पे आप इसका फ्लोर का डिज़ाइन देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसका सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम में एंटर होते ही सामने आपको बेड वॉल मिल जाती है, जिसपे आपको टाइल वर्क मिल जाता है और POP वर्क मिल जाता है और उसके साथ ही आपको वॉलपेपर का काम भी मिल जाता है। यहाँ पे आप इसका फ्लोर का डिज़ाइन देख सकते हैं, 2x4 फीट की टाइल इस्तेमाल की गई है और यहाँ पे इसकी आपको मीडिया वॉल मिल जाती है और यहाँ पे आप इसका सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप भी अपना घर ऐसा ही मॉडर्न डिज़ाइन में तैयार करवाना चाहते हैं या नक्शा बनवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका अटैच बाथ मिल जाता है, इसमें आपको यहाँ पे शावर एरिया मिल जाता है, टोटली टायर वर्क मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रास का काम किया गया है और यहाँ पे आपको कंसील्ड कमोड भी मिल जाता है। व्यूअर्स, तमाम एसेसरीज आपको इंस्टॉल मिल जाती हैं। ये आप इसका वैनिटी सेटअप देख सकते हैं और उसके साथ ही आपको इसकी वार्डरोब इंस्टॉल मिल जाती है, जो कि रूफ हाइटेड है। व्यूअर्स, चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल हाइटेड आपको स्टेयर केस मिल जाता है और उस पे आपको शैंडलियर इंस्टॉल मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही आपको सामने टीवी लाउंज मिल जाता है और आपको मीडिया वॉल मिल जाती है बिल्कुल सामने। यहाँ पे आपको इसका सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है
और यहाँ पे आप इसका फ्लोर का डिजाइन देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर का किचन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको तमाम एक्सेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं, और इसके आप ब्लैक कलर के कैबिनेट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है। चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यहाँ पे आप इसका शैंडलियर इंस्टॉल देख सकते हैं, और स्टेयर्स के बिल्कुल साथ ही आपको इसका स्टोर रूम भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बड़े साइज में वार्डरोब इंस्टॉल मिल जाती है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम में एंटर होते ही सामने आपको बड़े साइज में विंडो मिल जाती है, जो कि इस बेडरूम को बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। इसके सीधे हाथ पे आपको इसकी बेड वॉल मिल जाती है। इस पे आप देख सकते हैं कि 3D में आपको वॉलपेपर इंस्टॉल मिल जाता है, और यहाँ पे आप इसकी मीडिया वॉल देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कंसोल इंस्टॉल मिल जाता है, और यहाँ पे आप इसका फ्लोर का डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पे भी 2 फीट बाय 4 फीट की टाइल का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आप इसका सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप भी अपना बेडरूम तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। चलते हैं इसके अटैच बाथ की तरफ। इस बाथरूम में भी एंटर होते ही सामने आपको इसकी फीचर वॉल मिल जाती है, जिसके अंदर आपको टोटली टाइल वर्क और उसके साथ ही आपको ब्रास का काम मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका शावर एरिया मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको कंसील्ड जो है कमोड मिल जाता है, और उसके साथ ही आपको इसका वैनिटी सेटअप मिल जाता है, और वैनिटी सेटअप के साथ ही आपको वार्डरोब इंस्टॉल मिल जाती है। और यहाँ पे चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम में भी एंटर होते ही सामने आपको बेड वॉल मिल जाती है, इस पे आपको POP वर्क मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसका मीडिया वॉल मिल जाती है, और यहाँ पे आप इसकी सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसका फ्लोर का डिजाइन देख सकते हैं। चलते हैं इसके अटैच बाथ की तरफ। एंटर होते ही सामने आपको शावर एरिया मिल जाता है, ये सेपरेट शावर एरिया है, इसको आप ग्लास के साथ पार्टीशन भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही आपको कंसील्ड कमोड मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसका वैनिटी सेटअप मिल जाता है, और उसके साथ ही आपको वार्डरोब इंस्टॉल मिल जाती है। चलते हैं इसके टॉप फ्लोर की तरफ। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री एरिया भी मिल जाता है, और टॉप फ्लोर के लिए आपको स्टेयर्स भी मिल जाती हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।